महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है, क्या बेटी आगे बढ़ेगी? कुछ नहीं कर पाएगी बेटी। बेटी घर के हैं, घर में ही रहेगी, ऐसा हालात है बेटी का। हमने उस फॉर्म को भरा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम दिया। रिटर्न एग्जाम देने के बाद हम लोग इंटरव्यू दिए, ग्रुप डिस्कशन दिए, उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम आया तो हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कहा गया कि आप लोग को जुलाई के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। बिना कारण से आपने वैकेंसी रद्द कर दी। और हम लोग जो महिलाएं, एक तरफ महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है और दूसरे तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होना, ना कहीं से क्वेश्चन, ना कहीं से क्वेश्चन लिख था, ना कहीं से एग्जाम में कहीं भी किसी को त्रुटि नहीं थी, फिर इस वैकेंसी को क्यों रद्द कर दिया गया? और ऑफिस में गया तो मैम तो देख के इग्नोर कर देती है। हम लोग मैम 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 कर रहे हैं, मैम कुछ नहीं देख के एकदम साफ इग्नोर कर दे रही हैं। हम लोग को सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए सर। हम लोग की सारी प्रोसेस सही थी, हम लोगों ने सारे एग्जाम सही दिए, रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप वैकेंसी रद्द कर रहे, तो हमें कारण भी बताइए। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ सरकार एक तरफ आरक्षण की बात करे या हम लोग जिसको जिसके पास जॉब है उसी को जॉब मिल रही है। बच्चों के साथ इतना रिस्क लेकर आए थे हम, बच्चा को इंटरव्यू एग्जाम सब कुछ पास किए और जब हम लोग का फाइनली जब देने के बारी आया तो बोलते हैं कि रद्द कर दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, आरक्षण देते हैं, लेकिन ये तमाम महिलाएं हैं जो अब दर दर भटकने को मजबूर है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अब ये महिलाएं सड़कों पर हैं, भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से मुलाकात भी हुई है। आखिर वजह क्या है इनके सड़कों पर आने की, इनके दर दर भटकने की इतनी कड़ी धूप में? ये बातें हम इन्हीं से जानेंगे, आखिर क्या वजह है, क्या वजह है आप लोग यहाँ? हमारी वजह यह है कि हमने तीन चरण में एग्जाम पास किया, महिला बाल विकास निगम के द्वारा काउंसलर पद की वैकेंसी आई थी 2022 में। हमने उस फॉर्म को भरा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम दिया। रिटर्न एग्जाम देने के बाद हम लोग इंटरव्यू दिए, ग्रुप डिस्कशन दिए, उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम आया तो हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और कहा गया कि आप लोग को जुलाई के फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। हम लोग डेली उसको चेक करते थे, जुलाई अगस्त चला गया, सितंबर के लास्ट में अचानक से दैनिक भास्कर पेपर में आता है कि महिला ये वैकेंसी को रद्द कर दिया गया और फिर से सेम यही वैकेंसी को दोबारा 433 सीट के लिए निकाला जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिना कारण से आपने वैकेंसी रद्द कर दी। और हम लोग जो महिलाएं, एक तरफ महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है और दूसरे तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार होना, ना कहीं से क्वेश्चन, ना कहीं से क्वेश्चन लिख था, ना कहीं से एग्जाम में कहीं भी किसी को त्रुटि नहीं थी, फिर इस वैकेंसी को क्यों रद्द कर दिया गया? और हम लोग को कारण भी नहीं जाना, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। कहाँ कहाँ आप लोग गए? सीएम के पास गए हैं, तेजस्वी यादव के पास गए हैं, आज यहाँ आए हैं। ऑफिस में गया तो मैम तो देख के इग्नोर कर देती है। हम लोग मैम 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 कर रहे हैं, मैम कुछ नहीं देख के एकदम साफ इग्नोर कर दे रही हैं। मदन सहनी जी के पास भी गया तो वो लोग बोलते हैं अगर कैपेबल हो तो दोबारा एग्जाम दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर कि अगर कैपेबल है ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल कितना हाई हो चुका है। अगर इतना ही कैपेबल रहेगा तो आदमी जिस एग्जाम में बैठेगा वहीं से निकल जाएगा। तो गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुआ हुआ काम महिलाओं के साथ छीन लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव सुन कहते हैं कि जिनको कलम चाहिए वो मेरे को वोट दीजिए। ठीक है, तो क्या हम लोग को कलम नहीं चाहिए? हम लोग भी तो उनको कलम के लिए ना वोट किए थे। आज हम लोग उनके घर, कभी इनके घर, कभी उनके घर भटक रहे हैं, कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं है। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए सर। हम लोग को सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए सर। हम लोग की सारी प्रोसेस सही थी, हम लोगों ने सारे एग्जाम सही दिए, रिटर्न, ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप वैकेंसी रद्द कर रहे, तो हमें कारण भी बताइए। फिर हम लोग का लाइफ भी तो है, 1.5 साल से हम लोग ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले वैकेंसी कैंसिल जी, जब हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर देना था तब हम लोग का वैकेंसी रद्द कर दिया गया। क्यों? जब हम लोग अपने सारे प्रोसेस लिए और लगभग 1.5 साल का समय इसमें गया सर, 1.5 साल का, 1.5 साल का समय होता है ना सर। यहाँ पर कितनी और महिलाएं हैं जिनका अब एज नहीं है, तो वो कैसे करेंगी? हमने कितना मेहनत करके ये परीक्षा पास किया था। हम लोग को सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ सरकार एक तरफ आरक्षण की बात करे या हम लोग जिसको जिसके पास जॉब है उसी को जॉब मिल रही है। बेरोजगार को स्वरोजगार नहीं हो रहा है, जिसके पास जॉब है उसी को जॉब मिल रहा है, पद बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ जो बेरोजगार है उसको रोड पे लाके घिसटा जा रहा है। महिला पे इतना अत्याचार हो रहा है, क्या बेटी आगे बढ़ेगी? कुछ नहीं कर पाएगी बेटी। बेटी घर के हैं, घर में ही रहेगी, ऐसा हालात है बेटी का। नौकरी लेने के लिए बच्चों के साथ आपको बहुत ठंडा में, तो हम इतना छोटा बच्चा को हम सिरिंच लगवा कर, इतना छोटा बच्चा था, इसको हम ठंडा में लेकर आए थे, इतना मैंने हम अपने साथ छोड़ी, बच्चों के साथ इतना रिस्क लेकर आए थे हम, बच्चा को इंटरव्यू एग्जाम सब कुछ पास किए और जब हम लोग का फाइनली जब देने के बारी आया तो बोलते हैं कि रद्द कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है ना,
हम लोग के साथ मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन मिला? हाँ, बोले तो कि आश्वासन मिला है, आश्वासन हर एक जगह से मिलता है कि ठीक है, हम आगे देखते हैं, हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। दो बारह दिन पेपर में भी नहीं आता है। क्या बताएं कि हम लोग के पास कितना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ। पूछिए कि कहाँ कहाँ हम लोग घूम लिए हैं, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तक हम लोग चले गए हैं। कहाँ इतना छोटा बच्चा ले लेके हम लोग घूमते हैं, तो हम लोग पागल थोड़े ना हैं। जितना सीधे तौर पर ये तमाम महिलाएं, बिहार में भले ही महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात बिहार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन जब अब बिहार में महिलाओं को नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आती है, उससे पहले ही नियुक्ति रद्द कर दी जा रही है, और उसके बाद जब ये महिलाएं दर दर भटक रही हैं अपने बच्चों के साथ, भूखे प्यासे भटक रही नौकरी के लिए, लेकिन इन्हें नौकरी के नाम पर मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन। अब इन्हें उम्मीद है विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, और सम्राट चौधरी ने भी इनकी बातों को सदन में उठाने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इन महिलाओं को न्याय मिल पाता है या नहीं। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।